ओवैसी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लाए हैं विरोध में तिरंगा निकाल के, हमने कार्यक्रम का नाम भी दिया है। लेकिन ओवैसी जी, बीजेपी का आरोप है कि एनआरसी के नाम पर आप डरा रहे हैं, अभी तक उसका स्वरूप भी सरकार ने तय नहीं किया है, आप तुष्टीकरण का 2020 मैच खेल रहे हैं। ओवैसी जी, देखिए, बीजेपी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी एनआरसी नहीं आया। अमित शाह साहब ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी एनआरसी आएगा। अमित शाह साहब का एक वीडियो चल रहा है, लोग वो खुद कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, वन बाय वन ये होगा। बीजेपी ये क्यों नहीं कह देती कि 2003 के जो रूल्स, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आर्टिकल 14 उसमें ऐड किया था सिटीजनशिप एक्ट में, उसके तहत रूल 3 क्या कहता है। हाँ, रूल 4 तो क्लियरली कहता है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। वो पढ़ लेना रूल 4 सबसेक्शन 3 और रूल 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। और एनपीआर और एनआरसी में बार बार कह रहा हूँ, जिसका गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया, 3,900 करोड़ रुपये कैबिनेट ने मंजूर किए, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क ही नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। और सरकार ये समझती है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वही पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप जब एनपीआर कर रहे हैं तो एनआरसी होगा उसमें, और वही सबसे बड़ी खतरे की बात है। खतरे की बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक सर्वे हुआ था अंजना जी 2015-16 में, जिसमें खुद सरकार ने इतराफ किया कि 28% भारत के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और सबसे ज्यादा दलित आदिवासी मुसलमानों के पास नहीं है, और सबसे ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट किसके पास है, जो पैसे वाले दौलतमंद है उनके पास है। ये सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। दूसरी मिसाल में दे रहा हूं, जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, सरकार ने जो एन्यूमरेटर्स का मैनुअल जारी किया, उन एन्यूमरेटर्स से कहा जा रहा है कि आप वाइड पब्लिसिटी दीजिए, ताकि जब जनता के पास जाएंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो। क्या डॉक्यूमेंट्स हो, जो रूल 2.2.2 में कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कहा गया। अरे आप कैसे बोलते हैं कि एनपीआर एनआरसी अलग है, किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? अरे कम से कम आप सरकार में इतना तो झूठ मत बोलिए। ठीक है, मैं एनपीआर एनआरसी बार बार रूल 2003 में जो रूल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मैं एनपीआर एनआरसी पे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये, आपने मेरे मेन सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। क्या आप वाकई तुष्टीकरण 2020 का मैच खेल रहे हैं? सवाल ये लग रहा है कि क्या सरकार के दबाव में आज जब आप रैली के लिए निकले तो आपको तिरंगा लेकर यात्रा करनी पड़ी, ये दिखाने के लिए कि हम भारत की तरफ लॉयल है, तिरंगा लेकर ही घूमते हैं? क्या सरकार के दबाव में ये करना पड़ा आपको, अब तिरंगे से ही बनेगी बात? नहीं, मैडम, आपको गलत फहमी है। हमने तिरंगा इसलिए लिया कि हम देश को ये बता रहे हैं कि जो तिरंगा लेकर गोडसे की जबान में बात करते हैं, जो तिरंगा लेकर भारत के सेकुलरिज्म को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तिरंगा लेकर गांधी और अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि अब तिरंगा हम उठाएंगे, क्योंकि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील होने नहीं देंगे, हम गांधी के ख्वाबों को चुकनाचूर होने नहीं देंगे, हम राजेंद्र प्रसाद के उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं देंगे, हम सरदार पटेल के उन तमाम हौसलों को बुलंद रखेंगे, इसीलिए हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये कोई हम वफादारी के लिए या सरकार के दबाव में नहीं है, हरगिज नहीं है। सुधांशु जी, आज तक देखते रहिए, नकाब पोश से नकाब उठाने का काम आज तक कर रहा है जेएनयू का, देख लीजिए कौन नकाब लगाकर कैसा बच्चों को जेएनयू में हमला किया था, और क्या उनका ताल्लुक एबीवीपी से था नहीं था, वो 9 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो नकाब उस देख लीजिए, अभी एबीवीपी देख आप आज तक देखते रहिए, नकाब आपके चेहरे पे जो आप डाल रहे हैं वो निकल जाएगा। रहा सवाल ट्रिपल तलाक का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने क्या कहा कि नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको ही मानना पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा। मगर अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हूं, तो क्या मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा हूं, क्या मुझ पर कोई मुकदमा है? तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात सुधांशु जी, आप ये बात ये क्यों समझ रहे हैं कि आप ठेका लेकर बैठे हैं, या आपकी पार्टी या आपकी सोच रखने वाले, कि आप ही तिरंगा उठाएंगे? अगर हम तिरंगा उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
अगर हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम अंबेडकर और गांधी की बात कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आपको परेशानी इसलिए हो रही है कि पहली मर्तबा CAA के नाम पर देश की जनता, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब निकले हैं। ये अपने मजहब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए निकले हैं, देश को बचाने के लिए निकले हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये देश किसी एक मजहब के ऊपर चले। और इस देश की खूबसूरती हमेशा ये रही सुधांशु साहब कि ये देश तमाम मजाहिब को मानता है और मानता रहेगा। आप इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि पूरे मुल्क में आपने जो कानून बनाया उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। शाहीन नगर में, शाहीन बाग में तो बेचारी वो खवातीन सर्दी में बैठकर एहतजाज कर रही हैं और जो सरकार जो कानून बनाई वो तो गर्म हीटर में बैठकर मजे ले रही है, ये भी आवाम जनता देख रही है। तो कोई अपीजमेंट के लिए नहीं किया जा रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वादा किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस मुल्क की रूह को बचाने के लिए। और रहा सवाल नेशनल सॉन्ग्स का, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है तो जब वंदे मातरम पढ़ा जाता है तो कई वीडियोस हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, उसमें खड़ा है क्योंकि नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम का। सुधांशु जी आप आज देख लीजिए, हमने नेशनल एंथम पढ़ा, सब पढ़े, मगर आपके लिए नहीं पढ़ा हमने। हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि देश के लिए पढ़ा हमने। आपसे कोई डर है और आपसे उम्मीद भी क्यों करें? क्योंकि आपकी सरकार ने तो ऐसा काम कर दिया कि ओवैसी जी, लेकिन ऐसी कल्पना की थी आपने कि नकाबपोश थे, ऐसी कल्पना की थी आपने? अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि आपको सड़क पर ऐसे तिरंगा लेकर चलना पड़े, आपको वहां पर जनगण मन गाना पड़े? आपने कल्पना की थी इसकी? अगर गैर बीजेपी सरकार भी इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाती तो यही नतीजा होता, यही नतीजा होता। आप मुतमईन रहिए, अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या नॉन बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी हो, हम किसी पार्टी के को देखकर अपना प्रोटेस्ट नहीं करते। लेकिन जब देश की इस रूह को, उसके इथॉस को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है तो इससे सरकार किसी की भी हो उसके खिलाफ आवाज उठना जरूरी है। लेकिन मन में क्या, मन में है और नहीं होती तो क्या होता? बिल्कुल होता, ठीक है ओवैसी जी, लेकिन मन में क्या ये रहता है हमेशा कि ये सरकार चूंकि ऐसे तमाम आंदोलन को लेकर बाद में सवाल खड़ा कर देती है, कई जगहों पर हिंसा हो जाती है, तो इन सबको रोकने के लिए जो ये हर किसी को देशद्रोही का तमगा देते हैं उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए तिरंगा लेकर निकलना ज्यादा बेहतर होता है? क्या ये हिस्सा था आपकी सोच का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल में एक जवाब छुपा हुआ है, एक पैगाम छुपा हुआ है। पैगाम क्या है कि क्या मैं सुधांशु साहब का दिल जीतने के लिए कर रहा हूं, क्या मैं सुधांशु साहब के डर से कर रहा हूं? हरगिज नहीं कर रहा हूं। ना मुझे उनका दिल जीतना है, ना मुझे उनसे खौफ है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मुल्क का एक अव्वल दर्जे का शहरी हूं और बहसियत एक इंडियन सिटीजन के मुझे राइट है अपने संविधान को बचाने का, मुझे राइट है अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने का। मुझे इस बात की पूरा राइट दिया गया है कि जो संविधान मुझे हमारे बुजुर्गों ने दिया, फाउंडिंग फादर्स ने दिया, हम उसको जिंदा रखें। अगर आज इस मुल्क में अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल जिंदा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर गए, बल्कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे मुल्क में उससे देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस मुल्क में आज गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, प्रसाद जिंदा हैं, जो उनके नाम से नहीं है मगर ये तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अंजना जी, जिस तरह गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ किया था, इसी तरह आज देश ऐसी सरकार के खिलाफ, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए देश में जब NPR होगा तो NRC हो ही जाएगा, और अगर किसी मुस्लिम का और नॉन मुस्लिम का नाम नहीं आएगा तो यकीनन जो गरीब हिंदुस्तानी भारतीय है उसको तकलीफ उठाना पड़ेगा, मगर जो नॉन मुस्लिम है उसको थोड़े चंद अरसे के बाद भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसलिए कि रूल्स सरकार ये कहेगी भाई आप लिख के दे दीजिए कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान से कुछ आपका ताल्लुक था, एक्सेप्ट हो जाएगा।
मुसलमान को क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कोई कैसे साबित कर देगा ये सहूलत नहीं है ओवैसी जी कोई कैसे साबित कर देगा कोई कैसे साबित कर देगा कि उसका रिश्ता पाकिस्तान बांग्लादेश से है अफगानिस्तान से है कोई हिंदू जिसके पास कागजात नहीं है वो कैसे साबित कर देगा कि उसका रिश्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश से है देखिए देखिए आपने 2016 में और 2017 में एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया लॉन्ग टर्म वीजा का रूल मेकिंग जो पावर सरकार के पास होता है ना मैडम वो गैर मामूली होता है जिसको हम सबॉर्डिनेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं और उसको पार्लियामेंट लाने की जरूरत ही नहीं है यही तो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि हेमंत बिश्व शर्मा ने यही बात कही थी ना कि आसाम के एनआरसी में 540,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि CAA से मिल जाएगा तो फिर वो 500,000 बंगाली मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा यही तो एग्जाम्पल है ना रहा सवाल सुधांशु जी डॉक्यूमेंट्स की बात करते सुधांशु जी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 पढ़ लीजिए सरकार का है आपकी सरकार का है जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि 28% भारत के लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और तीसरी बात आप जो NPR करने जा रहे हैं मैं फिर से आपसे अर्ज कर रहा हूं सुधांशु जी एन्यूमिनेटर्स का जो मैनुअल है 1.6 1.7 1.8 पढ़ लीजिए क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं आप इनिमिनेटर्स के मैनुअल का 2.2.3 पढ़ लीजिए डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा सुधांशु जी क्या आपको मालूम कि इस देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है सिर्फ 6% लोगों के पास पासपोर्ट है और आधार कार्ड हिंदुस्तान की भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है सुधांशु जी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यह कहता है मैडम कि मुसलमान दलित आदिवासी के पास सबसे ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो सुधांशु जी क्यों झूठ बोल रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं आप मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं रूल के ऊपर मैनुअल के ऊपर और आप दूसरी बात कर रहे हैं और रहा सवाल के पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई मुसलमान या मुझे इस बात का हरगिज गम नहीं है कि आप वहां के मुसलमान को नहीं दे रहे मुझे गम इस बात का है कि इस देश की लड़ाई में जहां पर हिंदुओं ने अपना पसीना गिराया मुसलमानों ने अपना खून गिराया मुझे गम इस बात का है कि आज आप मुझे मजहब के नाम पर आप मुझ पर जलील कर रहे हैं मुझे आप मुझे दूर कर रहे हैं आप देश को बता रहे हैं कि इनकर इन पर भरोसा नहीं पर किया ये जा इंडिया सकता। है ना सर ओवैसी साहब बताइए क्यों कानून बनाया आपने आपके पास एक प्रोविजन था ये देश है ये इंडिया है सर सर शाहीन बाग में सर शाहीन बाग में 20 दिन से लोग सड़कों पर बैठे हैं प्रोटेस्ट में आप ही बता रहे हैं 20 दिन से बैठे हैं उन्हें तो वहां की पुलिस प्रशासन ये सरकार कोई नहीं हिला पा रहा इस मुल्क से क्या कोई किसी को निकाल देगा ये कुल मिलाकर क्या डर फैलाने वाली बात नहीं है कैसे निकाल देगा ये इंडिया है सर ये इंडिया लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से चलता है हजार लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं सुनिए मैडम नहीं अरे अरे मैडम आप लेक्चर आप देखिए अब आप जो है ना अब आप लेक्चर दे रहे हैं लेक्चर मत दीजिए प्लीज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि तैमूरा मुनीर आसाम की चीफ मिनिस्टर पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर उसका नाम नहीं आया मैडम फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट उनके खानदान का नाम नहीं आया कौन सी दुनिया में आप और हम रह रहे हैं लेडी चीफ मिनिस्टर 4 मर्तबा की MLA 10 साल की राज्यसभा की मेंबर उसका नाम नहीं आता है कि लेगेसी नहीं बता सकी फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान का नाम नहीं आता है आप कौन सी दुनिया में है मैडम कैसा सवाल आप कर रही हैं आसाम की मिसाल आपके सामने है आप बताइए ना फिर ये सब मैं जो कुछ कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं क्या मैं आपको दलायल देकर कह रहा हूं रहा सवाल शाहीन बाग का तो क्या प्रोटेस्ट करने का इख्तियार क्या बीजेपी का राइट है क्या हम मोहताज हैं प्रोटेस्ट करने का राइट संविधान देता है मैडम सुधांशु जी जवाब दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट दिया गया प्रोटेस्ट करने का मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की उन औरतों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैडम सुधांशु जी से पूछिए कि मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल के हैं बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि JNU के वाइस चांसलर को रिजाइन करना चाहिए किसके है मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के नहीं है हिंदुस्तान का बीजेपी का एक्स प्रेसिडेंट राम मंदिर के तहरीक का सबसे बड़ा लीडर HRD मिनिस्टर वो कह रहा है मैडम ओवैसी छोड़ दीजिए आप आपने इनसे सवाल किया था आसाम का कि 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप मिलेगी 5 लाख मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगी क्या ये आपने सही पूछा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और ये
बर्थ सर्टिफिकेट सुधांशु जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 एंड 16, देख लीजिए 28% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर अगर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको साइन करना पड़ेगा, उसको ऐसा नहीं मिल जाएगा आपको। अरे ये सब चीजें आपके सामने है और आप आंखें बंद कर रहे हैं। पासपोर्ट सिर्फ 6% लोगों के पास है। और मैडम आपने सही सवाल किया था कि जब आधार कार्ड आपने लाया था तो यही कहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अब आधार कार्ड भूल गए आप। अब और आधार कार्ड का सेक्शन 9 भी कहता है कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और याद रखिए मैडम, एनआरसी में जो एक्ट में वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, उसमें ये कम मैंडेटरी नहीं है सरकार के एनआरसी, मैंडेटरी हरगिज नहीं है। मगर सरकार सिर्फ इसलिए लाना चाह रही है कि सबको लाइन में खड़ा कर दो और जो असल मुद्दे हैं उस पर कभी बहस ना हो, ये इनका मकसद है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एनआरसी पर अभी कुछ भी हमने बात नहीं की है, बढ़ता जा रहा है। वैसे जी पीएम तो कह रहे हैं कि हमने एनआरसी पर कुछ भी तय नहीं किया है। एक मिनट मैडम, देखिए मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को आपके प्रोग्राम में, झूठ साबित कर दे मुझे कि एनपीआर और एनआरसी के जो रूल्स हैं उसमें एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं पूरे देश को? रूल 4 क्या कहता है? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे थे कि 2024 तक कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा एनआरसी नहीं होगा, यानी अब नहीं होगा। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जब प्रोटेस्ट नहीं होंगे देश में, तो आप थर्मामीटर लगाकर देखेंगे और फिर उसके बाद एनआरसी शुरू कर देंगे आप। मैं ये कह रहा हूं कि एनपीआर जब होगा वो एनआरसी होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनके पास है, मैं थम्स अप हूं, चलिए मेरे कान में फूल है, मगर इतना भी फूल तो नहीं है मेरे दिमाग में कि मैं रूल्स को पढ़ के ना कहूं। आप ये नहीं क्यों कह देते कि हम एनआरसी नहीं करेंगे? चलिए सुधांशु जी, एनआरसी क्यों नहीं करेंगे? ऐलान करिए ना आप, कौन रोक रहा है आपको? वैसे जी एनआरसी को कांग्रेस पार्टी की देन बता रहे हैं सुधांशु जी, आप सहमत नहीं है? मैडम मैं सुधांशु जी की बड़ी पर्सनल इज्जत करता हूं, मगर आज मुझे ये कहने पर मजबूर हूं कि सुधांशु जी इस सब्जेक्ट पर तैयारी करके नहीं आए। सुधांशु जी 2003 में अटल बिहारी सरकार, वाजपेयी की सरकार ने इन रूल्स को शामिल किया भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में रूल्स आपने लाए भाई, हम नहीं लाए। आपकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, क्यों झूठ बोल रहे हैं? 2003 में आप बात कर रहे हैं आशा मैकॉर्ड की, मैं आपसे कह रहा हूं कि 2003 में रूल्स हैं, आप एमएचए के वेबसाइट पर जाकर देखिए, लिस्ट पे लिखा हुआ है उसमें।